हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। रिमाइंडर से लेके जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज हम सब प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ सीखेंगे रिमाइंडर से जुड़ी सारी बातें, रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे हम बहुत ही कम समय में रिमाइंडर निकाल सकते हैं दिए गए एक्सप्रेशन का। तो शुरू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। सबसे पहले जान लेते हैं रिमाइंडर होता क्या है। अगर हमें 23 को डिवाइड करना हो 5 से, तो हम कैसे करते हैं? हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 को, ये आ जाता है 20। यहाँ पे हमारे पास बचता है 3। जो ये 5 होता है, 5 है हमारा डिवाइजर, 4 है कोशेंट, 23 है हमारा डिवाइडेंट, एंड 3 है हमारा रिमाइंडर। बिल्कुल बेसिक सी चीजें सबको पता है। तो हम कह सकते हैं हमारा डिवाइडेंट इक्वल होगा डिवाइजर को, डी मान लेते हैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। निकाल के भी देख सकते हैं, हमारा डिवाइजर है 5, कोशेंट है 4, रिमाइंडर है 3, ये हो जाएगा 23, जो कि हमारा डिविडेंड था। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफी सारे क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले से ही हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। रिमाइंडर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। हमने ज़्यादातर पॉजिटिव रिमाइंडर की ही बात की है आज तक, नेगेटिव रिमाइंडर की बात हमने अभी तक नहीं की। देखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। सबसे पहले हम वही क्वेश्चन लेते हैं, 5, 23, 20, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर हम इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लें तो ये ऐसा आएगा 5, 23। अब तक हम 23 में वो वैल्यू माइनस करते थे जो 23 से छोटी थी, अब हम वो वैल्यू लेंगे जो 23 से बड़ी होगी और 5 के मल्टीप्लिकेशन में आएगी। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ये हो जाएगा 25 माइनस, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा -2, ये होगा हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है रिमाइंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो हम आने वाली क्लास में समझेंगे। एक और फॉर्मूला आपको मैं साथ के साथ बता देता हूँ। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर में ऐड करें हमारे डिवाइजर को, तो वो बन जाता है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। ये रिलेशनशिप भी आपको याद रखनी है। जैसे कि हमारा नेगेटिव रिमाइंडर था यहाँ पे -2, अगर हम इसमें ऐड कर दें हमारा डिवीजर जो कि है 5, तो ये हो जाएगा 3, जो कि है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, अभी फिलहाल आप बस इतनी बात याद रखो। अब हम देखते हैं रिमाइंडर की कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन प्रॉपर्टी। अगर हमें कोई नंबर दिया गया है n1, सपोज करो हमें उसे डिवाइड करते हैं किसी डिवाइजर d से, और वो रिमाइंडर देता है हमें R1। उसी तरह से हमारे पास एक और नंबर है N2, उसे भी हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं और वो हमें रिमाइंडर देता है R2। हमें बताना है N1 और N2 को ऐड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अगर N1 और N2 को हम ऐड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा R1 प्लस R2 बाई D। D है हमारा डिवाइजर। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि हमें एक डिवाइजर दे रखा है 6, n1 हमें दे रखा है 22। अगर हम इसका रिमाइंडर निकाल लें तो 6 3 जा हो जाएगा 18, रिमाइंडर हमारा बचेगा 4। n2 को हम मान लेते हैं 14, अगर हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 14 माइनस 12 2। n1 प्लस n2 को अगर हम डिवाइड करें हमारे डिवाइजर 6 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। पहले हम बेसिक तरीके से निकालते हैं, 22 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 36 बाय 6। 36 डिविजिबल होता है 6 से, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। इसे हम एक तरीके से और कर सकते थे, फर्स्ट केस में हमारा रिमाइंडर आया था 4 और सेकंड केस में हमारा आया था रिमाइंडर 2। अगर हमें नेट रिमाइंडर निकालना होता तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, जैसे कि हम वो 4 और 2 को आपस में ऐड कर देते, उसे 6 से डिवाइड करते, 6 बाय 6 आ जाता, 6 डिविजिबल है 6 से, तो भी हमारा रिमाइंडर आता 0। क्लियर है ये बात।
इसी तरह से अगर हमारे से पूछा जाता कि अगर n1 में से माइनस करते हैं हम n2 को और डिवाइड करते हैं हम डिवाइजर से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता? उस केस में भी हम डायरेक्टली r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाय d कर सकते हैं। ये हो जाएगा r1 था हमारा 4, r2 था हमारा 2, 4 माइनस 2 बाय 6, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाता मल्टीप्लीकेशन के बारे में कि अगर हम n1 एंड n2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसे एक डिवाइजर से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो वो होगा r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाय d। r1 था हमारा 4, r2 था हमारा 2 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 8 बाय 6, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 2। क्लियर है ये बात? आप करना चाहो तो करके भी देख सकते हो इसे डायरेक्टली, या फिर अगर मैं आपको इसे एक और तरीके से समझाना चाहूँ तो n1 को मैं कह देता हूँ d1 प्लस r1। d1 वो वैल्यू होगी जो कि डिविजिबल होगी हमारे डिवाइजर से। इसी तरह से n2 को मैं कह सकता हूँ d2 प्लस r2। d2 वो वैल्यू है जो डिवाइड हो जाएगी हमारे डिवाइजर से और जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा r2। अगर मैं n1 को मल्टीप्लाई करता हूँ n2 से तो ये हो जाएगा d1 प्लस r1 d2 प्लस r2। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा d1 d2 प्लस d1 r2 प्लस d2 r1 प्लस r1 r2। अगर मैं बात करूं इस नंबर की, ये डिविजिबल है हमारे डिवाइजर से, इस नंबर में d1 डिविजिबल है हमारे डिवाइजर से, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा हमारे डिवाइजर से। इसी तरह ये वाला नंबर भी डिविजिबल होगा हमारे डिवाइजर से, बचेगा बस ये वाला नंबर, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा हमारे डिवाइजर से जिससे कि हम अपना रिमाइंडर निकाल सकें। क्लियर हो रही है ये बात? जैसे कि जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, हमारा पहला नंबर था 22, हमारा दूसरा नंबर था 14, हमारा डिवाइजर था 6। 22 को मैं लिख सकता हूँ 18 प्लस 4, इसी तरह 14 को मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस 2। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 18 प्लस 4 और 12 प्लस 2 को, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। अगर आप इन तीनों टर्म्स को देखें, ये तीनों टर्म्स डिविजिबल हैं 6 से, बस एक ऐसी ये वाली टर्म बचती है जिसमें हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। इसे हम डिवाइड करेंगे 6 से, ये हो जाएगा 8 बाय 6 और हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। अब पता चल गया आपको मल्टीप्लीकेशन करने में, खाली हम रिमाइंडर की मल्टीप्लीकेशन करके भी अपना रिमाइंडर निकाल सकते हैं, हमें सारे नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली उनके रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे जिससे ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। इसी तरह से अगर हमें कोई नंबर दिया गया हो जैसे कि एक्स प्लस ए इसकी पावर 2, हमें बताना है अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें x से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये वाली टर्म x से डिवाइड हो जाएगी, ये वाली टर्म भी x से डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर जो कि हमारा रिमाइंडर होगा इस केस में। जैसे इसी तरह से अगर हम x प्लस ए की पावर n की बात करें तो हम खाली a की पावर n को डिवाइड करेंगे x से अपना रिमाइंडर निकालने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 22 बाय 14 का रिमाइंडर बताओ, इसका रिमाइंडर आना चाहिए 8। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहता है इसमें बच्चे गलती कभी कभी क्या कर देते हैं, 22 बाय 14 में से वह इन दोनों नंबर को 2 से काट देते हैं, ये हो जाता है 11 बाय 7 और हमारा रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 4, जो कि हमारा सही रिमाइंडर नहीं है। जब क्वेश्चन छोटे होते हैं तो ये गलतियाँ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते रहते हैं ये चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती है और हम ये गलती कर बैठते हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर भी लो तो आप लास्ट में जो रिमाइंडर आए उसे मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से जिससे आपने पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था। जैसे कि अगर हम 4 में मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 8 जो कि हमारा एक्चुअल रिमाइंडर है। क्लियर है ये बात? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
देखते हैं किस तरह किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 factorial + 2 factorial + 3 factorial + 4 factorial --99 factorial। इसे डिवाइड करना है हमें 12 से। फाइनली हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम 1 factorial को ओपन करें तो ये होगा 1, 2 factorial होता है 1 × 2 होगा 2, 3 factorial की वैल्यू होती है 1 × 2 × 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, 4 factorial की अगर मैं बात करूँ ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4, ये हो जाएगा 24 प्लस 5 factorial + 6 factorial + --99 factorial। 4 factorial के बाद मैंने ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारा 4 factorial है ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 12 से, तो इसका मतलब 5 factorial भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 12 से, क्योंकि 5 factorial को हम लिख सकते हैं 5 × 4 factorial। इसी तरह से 6 factorial को हम लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 factorial। तो इन सभी टर्म्स में 4 factorial कॉमन हो जाएगा जो कि डिविजिबल है 12 से, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो हम इन सब टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। 24 भी डिविजिबल है 12 से, तो उसे भी निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा 1 + 2 + 6 / 12 और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 9। क्लियर है ये बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 factorial + 2 factorial + 3 factorial + 999 factorial। इसे हमें डिवाइड करना है 20 से और रिमाइंडर बताना है। ओपन कर लेते हैं। 1 factorial होता है 1, 2 factorial होता है 2, 3 factorial होता है 6, 4 factorial होता है 24, 5 factorial होता है 120। अब जैसे ही 120 आया, हमें पता है 120 डिविजिबल है 20 से, तो 6 factorial भी 20 से डिविजिबल होगा। तो 6 से लेकिन 999 factorial तक सारे नंबर हमारे डिविजिबल होंगे 20 से। तो हम कह सकते हैं हमारा रिमाइंडर होगा 1 + 2 + 6 + 24 / 20, ये हो जाएगा 33/20। 33 को अगर 20 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 13, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये नंबर हमारा जा रहा है 999 तक। हमें इसे डिवाइड करना है 8 से और बताना है रिमाइंडर क्या होगा। जब मैंने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी नंबर 8 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल हों 8 से, ठीक है। इस नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स हैं 999। अगर हम इसे 8 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 7, वही इस पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर होगा। इस क्वेश्चन को करके देखिए आप, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी नंबर को अगर हम 112 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर आता है 21। अगर हम उस नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। हमारा नंबर होगा 112 × some quotient + 21, जो कि हमारा रिमाइंडर दिया गया है। हमें बताना है अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें 19 से तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। 112 × q + 21 / 19। अगर हम 112 को 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 17। क्योंकि वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम कह सकते हैं इस वाले पोर्शन से हमें रिमाइंडर पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज पे हमें डिफरेंट रिमाइंडर मिलेगा। तो हम नहीं कह सकते कोई भी फिक्स रिमाइंडर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर यहाँ पे 112 की जगह कोई और नंबर होता, जैसे कि 112 की जगह होता अगर 114 और हमारा नंबर होता 114q + 21, तो हम इसका रिमाइंडर बता सकते थे बड़ी आसानी से, क्योंकि 114 19 से डिविजिबल हो जाता, 6 टाइम्स कट जाता, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता इस टर्म से 0। फिर हम इस टर्म से रिमाइंडर निकालते, वो आता 2, तो हमारा रिमाइंडर इस क्वेश्चन का हो जाता 2। लेकिन यहाँ पे 112 था जो कि 90 से डिविजिबल नहीं था, तो इसका रिमाइंडर हम नहीं निकाल सकते। आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कहीं सी एंड डी तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। हमें एक नंबर दिया गया है n
उसे अगर हम डिवाइड करते हैं 899 से तो हमारा रिमाइंडर बचता है 63। हमें बताना है अगर उस नंबर को हम 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर हो जाएगा 899 इंटू क्यू प्लस 63, इसे हमें डिवाइड करना है 29 से और हमें रिमाइंडर बताना है इसका। सबसे पहले आप चारों ऑप्शंस देखें, इसमें सीएनडी कहीं तो नहीं है। अगर इस ऑप्शन में सीएनडी नहीं दे रखा तो आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत भी नहीं है 29 से 899 को, ये बाय डिफॉल्ट इससे कट रहा होगा। अगर ये इससे नहीं कटता तो हमारा आंसर आ जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन 899 29 से कट जाएगा तो हम डायरेक्टली 63 को डिवाइड करेंगे 29 से, हमारा रिमाइंडर इस केस में आ जाएगा 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में एक नंबर दिया गया है n, जिसे अगर हम 132 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 10, तो हमारा नंबर हो जाएगा 132 इंटू क्यू प्लस 10। हमें बताना है जब n स्क्वायर प्लस 11 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। n स्क्वायर है हमारा 132 इंटू क्यू प्लस 10, इसका स्क्वायर प्लस 11 बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। 132 12 से डिविजिबल है, ये हमारी a प्लस बी की फॉर्म हो गई, a प्लस बी का स्क्वायर। इसमें मैंने बताया था अगर a डिविजिबल हो दिए गए डिवाइजर से तो इसमें हमारा रिमाइंडर बचता है खाली बी स्क्वायर। 132 12 से कट जाएगा, ये जाएगा 13 टाइम्स, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं 132 क्यों डिविजिबल होगा 12 से, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 10 स्क्वायर, और यहाँ पे हमें दे रखा है 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12, 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाय 12। 108 डिविजिबल होता है 12 से तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 3, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि कैसे नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, आपका दिन शुभ हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं हमारी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए तो बेल आइकन को जरूर दबाएं।